आज भी मैं आपको एक ऐसी रचना सुनाऊंगा जो महाभारत से ही प्रेरित है, महाभारत की ही पृष्ठभूमि पर वो रचना मैंने लिखी थी। तो पहले एक छंद से शुरू करता हूँ, एक छंद देखिए महाभारत का ही, और उसके बाद फिर मैं वो कविता रखूंगा। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। बस एक प्रायोगिक छंद है, देखिए। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। और देख दशा द्रौपदी की, वीर पुत्र पांडुओं की, धमनियों में बूंद बूंद रक्त खोलने लगा। और पांच जन्य की सुनी जो गूंज ले भुजाओं में, हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। कि सर गिरे विशाल हो बेहाल, देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल बोल। धड़ गिरे विशाल हो बेहाल, देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। और एक महाभारत से ही प्रेरित जो रचना है, मैं अच्छा जो बोला गया, ठीक है मैंने एक पेमेंट उसी का हुआ, ठीक है, बहुत शुक्रिया, पेमेंट हो जाए। मैंने एक राम जी के मैंने ऊपर एक कविता लिखने की कोशिश की थी, और दरअसल इस कविता का जो सोच है, क्यों ये कविता लिखी, इसकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि जब हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में जब नकारात्मक भाव प्रबल होने लग जाए, जब हमें लगे कि कोई नकारात्मक भाव हर सकारात्मक भाव को दबा रहा है, तब किसी भी ईश्वर का क्रोधित होना आवश्यक है। तो उसी बस एक राम के रौद्र रूप को मैंने दिखाने की कोशिश की है। पंक्ति देखिएगा, पहली पंक्ति में एक शब्द आएगा धर्म। धर्म को किसी रिलीजन से मत जोड़िएगा, आप सिर्फ कर्तव्यों की बात मैं कर रहा हूं यहां पे। कि जब बात धर्म की होगी, कोई वाद सहा ना जाएगा। कि जब बात धर्म की होगी, मतलब कर्तव्यों की जब बात होगी, कर्मों की जब बात होगी, ईश्वर के प्रति दायित्वों की जब बात होगी, कि जब बात धर्म की होगी, कोई वाद सहा ना जाएगा। जब बात करेंगे शस्त्रों से, संवाद सहा ना जाएगा। और कितने सर मर कर अजर अमर इस धरती से हो गए विहीन, ये जीवात्मा मानव की कैसे हो गई कूड़े में विलीन। जाओ जाकर के पुण्य गिनो, जाओ जाकर के पुण्य गिनो, जो प्राण धरा से चले गए, जिनको ना जाना ना जाए, जिनको जाना वे भले गए। अपनी अपनी मक्कारी को जाओ जाकर के शून्य करो, और ईंट से ईंट मिलाओ जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो। ईंट से ईंट मिलाओ, बहुत शुक्रिया, कि ईंट से ईंट मिलाओ जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो। और अब की जो चूक गए मूर्ख फिर मुझे बसा ना पाओगे, अब की जो चूक गए मूर्ख फिर मुझे बसा ना पाओगे, जो रूठ गया मैं तुम सबसे फिर मुझे मना ना पाओगे। कौन है श्री राम, उनका चरित्र मैं पढ़ता हूं आपके सामने। कि ना मैं सत्ता अभिलाषी हूं, ना मैं सत्ता अभिलाषी हूं, ना सत्ता मेरी दासी है, ना मैं सत्ता अभिलाषी हूं, ना सत्ता मेरी दासी है। ये रघुपुत्र तो जन जन के बस मन मंदिर का वासी है, सृष्टि में जल थल और नभ में मर्यादा का मैं हूं स्वरूप, किसने क्या क्या देखा मूर्ख, मैं हूं देवों का देव रूप, भ्रातत्व का मैं परिचायक हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं नायक हूं। देखा मेरा हृदय निर्मल, कि भ्रातत्व का मैं परिचायक हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं नायक हूं। देखा मेरा हृदय निर्मल, पावन सी सृष्टि पूर्ण सकल, तीनों लोकों में वंदनीय, कृत्य करो अभिनंदनीय। मैंने कब मांगा राजपाट, कब चाहा मैंने ठाट बाट। तू देख प्रवंजन अब मेरा, अपनी अग्नि कर सावधान, और नाम मेरा सृष्टि मेरी देखूं कैसे तू है महान। जब नाम मेरा सृष्टि मेरी, आज हम श्री नाम के नाम पर राजनीति करते हैं, आज हम प्रभु के नाम पर राजनीति करते हैं, तब पंक्तियां पढ़ता हूं। कि जब नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान, और जो जो मेरा उठे धनुष, एक रौद्र रूप का चित्र बनाने की मैंने कोशिश की है, वो चित्र आप पकड़िए। कि जो जो मेरा उठे धनुष, देखें आगे अब बचेगा कुछ, कि जो जो मेरा उठे धनुष, देखें आगे अब बचेगा कुछ। डगमग डगमग पर्वत डोले, पृथ्वी अपनी सीमा खोले, हर बाण मेरा चमके ऐसे, बादल में बिजली हो जैसे, गुर्राऊं जब अंबर के पार, बूंदों की वृष्टि हो अपार। ले संभाल अब बाण मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा, ले संभाल अब बाण मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा। अब तुझ पर बाण चला दूं तो, धरती तुझको दिखला दूं तो, ले देख मेरी शक्ति प्रचंड, भूमंडल कांपे अब अखंड। ले देख मेरी शक्ति प्रचंड, भूमंडल कांपे अब अखंड। अरे राम विमुख हो करके तू सब जग हत्याना चाहता है, कि राम विमुख हो करके तू सब जग हत्याना चाहता है, राम साथ में लिए बिना सबका सब पाना चाहता है। अरे एक वचन के फल स्वरूप मैंने त्यागे धन धान्य सभी, एक क्रोध के कारण वश तुझको कर दूं मैं बस मभी, त्याग प्रतिज्ञा वचन का मैं जीवंत उदाहरण लाया हूं, लोक नीति से विवश स्वयं जानकी त्याग कर आया हूं।
कि त्याग प्रतिज्ञा वचन का मैं जीवंत उदाहरण लाया हूँ। त्याग प्रतिज्ञा वचन का कि त्याग प्रतिज्ञा वचन का मैं जीवंत उदाहरण लाया हूँ। लोक नीति से विवश स्वयं जानकी त्याग कर आया हूँ। कुलनंदन हूँ, रघुनंदन हूँ, अभिनंदन हूँ मैं वंदन हूँ। कुलनंदन हूँ, रघुनंदन हूँ, अभिनंदन हूँ मैं वंदन हूँ। और तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूँ। तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूँ। अरे परशुराम के भी समक्ष हम ले सीना तन जाते हैं कि परशुराम के भी समक्ष। जब आपने अगर महारामायण आपने देखी होगी तो जब श्री राम धनुष तोड़ते हैं शंभू का, तो स्वयं जब परशुराम की तपस्या भंग होती है तो वो दौड़े चले आते हैं, तो सिर्फ लक्ष्मण होते हैं जो आगे से आकर कहते हैं कि अगर संहार नहीं करवाना तो वापस चले जाओ। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि धनुष तोड़ शंभू का मैंने कोलाहल सा मचा दिया। धनुष तोड़ शंभू का मैंने कि परशुराम के भी समक्ष हम ले सीना तन जाते हैं। कि परशुराम के भी समक्ष हम ले सीना तन जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण सा संग में हो हम स्वयं काल बन जाते हैं। अरे देख विभीषण को भी तो लंका का राज दिया मैंने। और देख विभीषण को भी तो लंका का राज दिया मैंने। और वही सुग्रीव को भी उसके सरताज दिया मैंने। कीक वानर को हनुमान बनने का मार्ग दिखा दिया। और नाम गोदगर पत्थर पर पानी पर सेतु बना दिया। कि नाम गोदगर पत्थर पर पानी पर सेतु बना दिया। धनुष तोड़ शंभू का मैंने कोलाहल सा मचा दिया। और दम्भ सागर का भी पल भर में मैंने झुका दिया। और हम आपके लिए एक चेतावनी देना चाहता हूं प्रभु की तरफ से कि तू भी थोड़ा निष्काम देख, बुद्धि से लेके काम देख, फिर त्याग अहंकारी मन को और मोक्ष दिखा कुंठित तन को। अरे तूने कितने ही जतन किए मुझको नीचा दिखलाने को, तो ले मैं आया हूं अब के तुझको भी ये बतलाने को कि अहंकार तो रावण का भी सम्मुख मेरे टिका नहीं। अनगिनत साहस कर बैठा काल भी उसको दिखा नहीं। है कलयुग पर अब भी मेरे अस्तित्व को जो ललकारेगा। है कलयुग पर अब भी मेरे अस्तित्व को जो ललकारेगा। ये राम भले मर्यादित है पर हर रावण को मारेगा। बहुत